नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश गोयल सिविल इंजीनियरिंग का थर्ड ईयर का छात्र, और हमारा कॉलेज चौधरी देवीलाल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पन्नीवाला मोटा सिरसा में है। और हाल ही में जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज समय गर्मियों का आने वाला है, तो इस वजह से हमारे कॉलेज में बोरिंग करवाई जा रही है। तो बोरिंग के लिए यहाँ पे एक मशीन मंगाई गई है, बोरिंग मशीन। तो इसी के बारे में मैं आज आप ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, एंड आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। मैं अब अपने साथी से कहना चाहूँगा कि वो हमारे साथ साथ आएँ, और ऐसी और अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं उनका कहूँगा कि आएँ, वो तेज़ी तेज़ी से आगे आएँ। देखिए, ये पूरी जो है ये मशीन है, और ये यहाँ पे इन्होंने जनरेटर लगाया हुआ है ताकि ये पूरी मशीन को पावर सप्लाई कर सके। उसके बाद मैं आपको इसके पार्ट्स दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये कूलर। तो इसके बाद मैं अपने फ्रेंड से कहना चाहूँगा आगे, ये इसकी शाफ्ट रबड़ है, बेल्ट है इसकी, और ये इसकी बेल्ट है जो कनेक्ट है हमारे जनरेटर से। ये यहाँ पे स्प्रिंग दिया है ताकि वाइब्रेशन कम हो और इसमें झटका कम लगे। उसके बाद ये इसमें इन्होंने पुली बनाई है जो पाइप को ऊपर नीचे करने में और उसे पूरे मशीन को काम करने में हेल्प करती है। उसके बाद इसमें मैं कहूँगा एक बार अंदर तक व्यू दिखा दें इन्हें। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, मैं बंद कर देता हूँ। इसके साथ मैं अपने दोस्त से कहना चाहूँगा कि वो अब आगे आए, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये बेल्ट है, ये इसे घुमाने काम आती है, और फिर इसके बाद ये गरारियाँ लगी हुई हैं इसमें अलग अलग साइजेस की, जो इस पूरी मशीन को वर्क करने में मदद करती है। यहाँ पे ये रॉड है, और ये यहाँ पे अंदर वायर लपेटने की पुली की जो लिफ्ट वायर है इसको लपेटने के लिए रोल बनाया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा मशीन, ताकि झटका इसके अर्थ पे कम लगे, इस वजह से इसे हमने जैक्स पे खड़ी कर रखी है, इसके जैक्स हैं। इसके बाद आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो मैं कहना चाहूँगा अपने दोस्त से कि वो साथ साथ आए हमारे। देखिए, इसमें काफ़ी सारे गियर फंक्शनिंग सिस्टम दे रखे हैं, जैसे कि ये है एक सिस्टम गियर का, फिर ये दे रखा है हैंड का, ये है। इन सब का बेसिक फंक्शन जो है इस पूरी मशीन को वर्क कराना है, मतलब कि अभी जब हम इसके बारे में आगे आगे पता करेंगे तो हमें पता लगेगा डिटेल में कि बेसिकली काम क्या है इस मशीन का। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक पूरा पुली सेट बनाया है कि ताकि ये बेसिकली है इसका बोरिंग करना काम, और बोरिंग करने में क्या होगा कि ये बोर होल यहाँ पे इन्होंने करा है, उसके बाद इसके अंदर हम ये शाफ्ट गेरते हैं। मैं अपने दोस्त से कहना चाहूँगा कि वो अंदर दिखाएं इसे। ये अंदर इसके एक शाफ्ट पड़ी हुई है, पाइप होल पाइप होलो पाइप पड़ा हुआ है, ये अंदर जाता है और इसे फिर रोटेट कराया जाता है, इसके अंदर प्रेशर से लोड के साथ इसे अंदर भेजते हैं और फिर इसे रोटेट कराया जाता है, तो इससे जो हमारी इसमें अर्थ में सिल्ट होती है वो बाहर आती है। और ये जो है बोरिंग, इसे हम ये बोरिंग स्टैंड है, इसके ऊपर ये लोड वेट रखते हैं ताकि ये हिले ना काम करते वक्त। उसके बाद इसमें से जैसे कि काफ़ी हमने बोरिंग कर ली है तो यहाँ पे सिल्ट निकली है काफ़ी मात्रा में। उसके बाद ये बोर होल पाइप है जो इसके अंदर डाला है, मतलब कि जब हम गहराई में जाना शुरू करते हैं तो हमें ज़्यादा डेप पाइप की ज़रूरत पड़ती है, तो ये इसमें डाला जाता है। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पाइप है जो इसकी कैप है, इसे कैप को इस पर लगा दिया जाता है, और इसे कैप को लगाने के बाद जैसे कि कैप लगाते हैं तो पाइप बड़ा कर दिया जाता है, और इसमें आप देख सकते हैं इसका साइज़ करीब इसका डाया 1 फुट के बराबर होगा, और इसमें लुब्रिकेशन भी करी है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें लुब्रिकेशन करी है ताकि काम करते वक्त इसमें फ्रिक्शन ना हो और ये इजीली रिमूव हो जाए।
यहाँ पे एन नंबर्स में रखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू यूज़। इसमें होता क्या है बेसिकली दोस्तों कि ये हमारा जो पाइप है ये ऊपर नीचे जाता है, तो इसमें से नीचे से सिल्ट निकलती है और जो इसकी मिनिमम डेप्थ है वो हम 300 से 400 फीट तक आराम से कर सकते हैं और मैक्सिमम इसे 700-800 तक भी ले जा सकते हैं। तो मैं मानता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।